नालंदा में 23 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह का कार्यक्रम प्रस्तावित, कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। नैमित्रा में कलेक्टर ने ली खाद्य अधिकारियों की बैठक, खाद्यान्न वितरण के लिए समीक्षा, वरदाना भुगतान को लेकर की चर्चा। नैमित्रा में बिजली बिल में छूट के बाद आ रहे अधिक बिजली बिल के आने से किसान परेशान। सारंगढ़ में बरसात के कारण टूटा पुल, पुल टूटने से कई गांवों का आवागमन हुआ बाधित, बीजेपी युवा मोर्चा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और सरायपाली में स्वामी विवेकानंद के जीवन गाथा पर कार्यक्रम, छात्राओं ने विवेकानंद के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का किया काम। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। वैरुंदा जनपद के चकल्दी और गोपालपुर के ने आगामी 23 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शामिल होना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने कार्यक्रम स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बारिश को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं और कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और एसपी मयंक अवस्थी ने यातायात, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यातायात जागरूकता अभियान के क्रम में आज पंडित देवकी नंदन दीक्षित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यातायात पुलिस द्वारा यातायात की पाठशाला आयोजित की गई है। पाठशाला में यातायात के डीएसपी संजय साहू ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि यदि हमारे युवा ठान ले तो सड़क दुर्घटना से बचाव संभव है। उन्होंने आवागमन के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन पर बल दिया और इसी क्रम में यातायात जिला रोड सेफ्टी सेल के सब इंस्पेक्टर उमा शंकर पांडे ने छात्राओं के समूह संबोधित करते हुए सड़क पर चलने के नियम संकेत 3TE सड़क दुर्घटना के कारण बचाव, यातायात संकेत और गुड सेमी, आपको बता दें कि सेमी रिटर्न की सविस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि बेटियां माता पिता के जिगर का टुकड़ा होती है, यदि वो अपने परिवार में सभी सदस्यों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए कहे तो उनकी बात कोई नहीं टाल सकता है और नियमों का सभी पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को ईडी की टीम ने रानू साहू समेत कई अधिकारियों और नेताओं के यहां छापेमारी की थी और छापेमारी के बाद रानू साहू को अरेस्ट किया गया है। उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने कोर्ट में पेश किया है। प्रदेश में गिरफ्तार होने वाली रानू साहू दूसरी आईएएस ऑफिसर है और ईडी ने धन शोधन के एक मामले में जांच के तहत छत्तीसगढ़ में आईएएस के कुछ अधिकारियों और कांग्रेस के एक नेता और को हवाला, आपको बता दें कि ऑपरेटरों के परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की थी और ईडी ने आईएएस अधिकारी रानू साहू के साथ कुछ अन्य नौकर शाह और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ इकाई के नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, ठेकेदारों और हवाला डीलर के रामपुर और अन्य शहरों में 15 से ज्यादा परिसरों पर तलाशी ली थी। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत बहेड़ा और पीपर भट्टा के ग्रामीण विद्युत कनेक्शन बिल अधिक आने से परेशान है और शासन द्वारा बिजली बिल में किसानों को छूट देने के बाद भी भारी भरकम बिल आने से किसान चिंतित है। वहीं बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी किसान नेता योगेश तिवारी दर्जनों किसानों के साथ समस्या लेकर विद्युत कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कृषि कार्य, सिंचाई साधन के लिए अस्थायी विद्युत सर्विस कनेक्शन जारी किया गया था और अब बिजली बिल के राशि विद्युत खपत से कहीं अधिक बिल आया है, उस पर तत्काल उचित कार्रवाई करें और विद्युत बिल को शासन के योजना के अंतर्गत माफ किया जाए। तरह विधानसभा के जो किसान हैं लगातार परेशान हैं, उनके बिजली बिल को देख के उनका स्थिति खराब है,
कोई यानी हार्ट फेल होने की स्थिति में आ गए हैं, 1 लाख रुपया का बिजली बिल, किसी 52,000, किसी 80,000, 60,000। ये बिजली विभाग की गलती है। किसानों को जब 5 HP के मोटर, 3 HP के मोटर में जब सरकार छूट दे रही है, 600 यूनिट का 3 HP में छूट है और 7500 यूनिट का 5 HP में छूट है, उसके बावजूद किसानों को छूट का फायदा नहीं मिल रहा है। छोटे किसान है जिनके पास 1 एकड़ खेत है, 1.5 एकड़ खेत है, सरकार आज बिजली बिल नहीं भेजती, एक साथ 52,000, 80,000 रुपये का बिल भेज दे रही है और किसानों का बिजली काट दिया गया है। आज बिजली कटने से किसान के फसल आज चौपट होने की स्थिति में है, किसान बहुत परेशान घूम रहा है। तो आज हम लोग बिजली विभाग में आए हैं, उनको न्याय दिया जाए, उनके बिजली विभाग में अगर कोई गलतियां हैं, कोई त्रुटि है, उसको सुधार किया जाए। 80,000 बिल क्यों आया है? अगर डिपार्टमेंट की गलती है तो डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 52,000 एक तो बिल है, 3-4 हजार आए तो दोनों के है के नाम से आ रहे हैं। तब बोलते यहाँ रिक्वेस्ट करा था कि हमारे मन के बिल कुछ छूट किया जाए, तभी कोई ऑप्शन नहीं निकलते एक बारे में। तो भाई गरीब किसान हमारा 1.5 एकड़ 2 एकड़ में पंप चलावा था, तो मैं क्या कर सकता है? 1.5 एकड़ में कतका कम बिल खपत कर लेबो? लास्ट टाइम हमारे तो कुछ करे ही के योजना से नहीं मिलते। सरकार बोलते कि छूट है भाई, तो का चीज के छूट मिले है हमारे? एकर बारे में हमारे कुछ तो यह चाहिए, 52,000, 53,000, 60,000, 1 लाख, ये कोई बिल है का? कोई बिल के योजना ही बताते हमारे? एक बारे में हमारे कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये तो हर महीना हमारा 500 रुपए बिल देता है 3 HP में या 5 HP में, जो भी देना है तेन तो हम हंसी खुशी पटा लेते हैं। रुपए पर मंथ, अगर 3 HP है तो 300 रुपए पैसा आता है उसका, 5 HP है तो 500 रुपए पैसा आता है। अगर ये फ्लैट रेट वाले होंगे तो इनका बिल बनेगा 3 HP का 300 रुपए, 5 HP का 500 रुपए। बेमेतरा में 21 जुलाई को कलेक्टर PS Elma ने खरीफ फसल को लेकर जिला खाद्य अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न योजनाओं अंतर्गत खाद्यान्न वितरण और उठाव के प्रगति की विकास खंडवार समीक्षा की और उन्होंने खाद्य विभाग के अंतर्गत PDS वितरण कार्य, चावल भंडारण की उपलब्धता की जानकारी लेकर राशन वितरण की व्यवस्था समय अवधि में करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बैठक में FCI और नान में चावल जमा करने की समीक्षा की है और साथ ही राइस मिलर्स के परिवहन, बारदाना भुगतान आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की है। खबर धमधमा से है, जहां साझा विधानसभा के अंतर्गत केवल्य धाम आश्रम में कबीर पंथियों का जमावड़ा देखने को मिला और कबीर पंथों के लोगों ने सोशल मीडिया पर फर्जी IG बनाने वाले, आपको बता दें, के खिलाफ कार्रवाई की है और आपको बता दें कि मांग भी रखी है कि बीते कबीर पंथ समाज के आचार्य पंथ के नाम से सोशल मीडिया पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी IG बनाकर आचार्य पंथ की प्रतिष्ठा को बदनाम करने के मंशा से लगातार अश्लील फोटो, अभद्रता एवं आपत्तिजनक पोस्ट कर सामाजिक मान प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, जिससे कबीर पंथों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कबीर पंथियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आपको बता दें कि अनुविभागीय अधिकारी को दोषी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। हम लोग सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा संस्था के अनुयायी हैं, जो कि हमारे परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मिले नाम साहब सदगुरु कबीर साहब के 15वां वंशगति के रूप में विराजमान है व उन्हें हम आप सब कबीर साहब के स्वरूप में उनको पूजा करते हैं। जिस पर गलत वीडियो बना करके, उनसे ID प्रूफ बना करके गलत प्रचार किया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे पूजनीय माता साहिबा मनीषा देवी का भी साथ में गलत शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। यह इस प्रकार से ना हो, हम शासन प्रशासन से निवेदन चाहते हैं और तत्काल कार्यवाही के लिए जो गलत कर्म करता है उसको तत्काल कार्यवाही किया जाए, अरेस्ट किया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। हमारे पंत श्री हुजूर साहेब के नाम से जो ID बनाए हैं, गलत ID बनाए हैं, उसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ जन दर्शन में और आगे भी और कुछ कार्रवाई जो भी हो करेंगे। यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। सारंगढ़ जिला अंतर्गत विकास खंड वरमकेला के
ग्राम पंचायत लिंजीर के पास मुख्य मार्ग पर निर्मित पुलिया बरसात के कारण पुल टूटकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिस कारण लगभग 20 से 35 ग्राम पंचायतों का बरमकेला से आवागमन पूरी तरह से रुक गया है और जिसका तत्काल नवीन निर्माण कराया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, जिसे लेकर बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अजय नायक सहित कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर ने जल्द इसकी जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्राम पंचायत लिंजीर में पुल टूटने से हुए नुकसान पर किसानों को मुआवजा और नवीन पुलिया निर्माण के संबंध में पत्र दिया है। क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है करेंगे मैडम? हाँ जी, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा क्या इसकी विषय वस्तु है, उसके आधार पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। ग्राम पंचायत लिंजीर का जो मुख्य मार्ग है, जिसमें लगभग 25 से 30 गांव का संपर्क है, आवागमन है, बच्चों का आना जाना है, वह पुलिया अचानक अभी 4-5 दिवस पहले अर्दन डैम, जो ऊपर में अर्दन डैम बना हुआ है, वो डैम की टूटने की वजह से सीधे पानी का बहाव तेज हुआ और वो पुल में जाकर सीधा उसमें टकराया, जिसकी वजह से पुल टूट गया। मैं समझता हूँ, जहाँ तक इसमें वन विभाग से मैं चर्चा किया, तो डैम स्वीकृत है, फरवरी महीने से स्वीकृत है और डैम में 4 महीने तक कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि ठेकेदार को उसको टेंडर मिल चुका था, उसके बाद उसमें काम में देरी हुआ, जिसकी वजह से पुल टूटा है। जो मुख्य पुल है, वो पुल के टूटने से नहीं आवागमन में संपर्क टूटा है, बल्कि किसानों का भारी भरकम नुकसान हुआ है। हम कलेक्टर मैडम से यहाँ पर निवेदन करने आए थे, ज्ञापन देने आए थे कि पुल का नवीन निर्माण, जिसमें 2 खंभे का पुल की अति आवश्यक जरूरत है, उसमें और जो किसानों का फसल का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा जल्द से जल्द परीक्षण करवाकर किसानों को मिले, इसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। माकड़ी के मंजी प्रांगण में शासन के निर्देशानुसार जैविक खेती मिशन योजना के अंतर्गत जैविक खेती किसान मेला सह मिलेट कार्निवल का आयोजन किया गया और जिसमें कृषकों को, आपको बता दें, कृषकों को वर्मी खाद की उपयोगिता और मृदा उर्वरक शक्ति बढ़ाना, नरवा गुरवा, आपको बता दें कि इस मिलेट मिशन में रागी कोदो उत्पादन की जानकारी दी गई और मेले में विश्रामपुरी के कोया स्वयं सहायता समूह के द्वारा रागी से बने उत्पाद जैसे रागी आटा, माल्ट और पे, और आपको बता दें कि फरसांग गांव के प्रगतिशील कृषक मंगलू राम के द्वारा वर्मी खाद सैंपल, वर्मी खाद से उपजाई गई फसल जैसे श्री राम चावल, कुल्थी, रागी फसल के प्रदर्शनी स्टॉल लगाई गई थी। साध्वी मंदाकिनी ने पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने से नाराज होकर भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्मदाह किए जाने की चेतावनी दी है। साध्वी का कहना है कि शिवराज के राज में साधु संतों की सुनवाई नहीं हो रही है। बता दें कि साध्वी मंदाकिनी के साथ 4-5 दिन पहले कहार वाड़ी स्थित आश्रम में मारपीट की घटना हुई थी और इसकी शिकायत उन्होंने महाकाल थाने में की थी। पुलिस ने 3 संतों के खिलाफ मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया था, जबकि साध्वी का कहना है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन पुलिस छेड़छाड़ की धारा में मामला दर्ज नहीं कर रही है। साध्वी मंदाकिनी ने प्रेस क्लब में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इस मामले में वह गृह मंत्री से भोपाल जाकर शिकायत कर चुकी है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। नाराज साध्वी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 24 घंटे के अंदर दोषी संतों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो मैं भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के आगे आत्मदाह करूंगी। और 24 घंटे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरी FIR दर्ज करें, और मेरी FIR दर्ज नहीं होगी तो महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके बंगले पे आकर साधुओं के साथ में अनशन करूंगी। अगर आप जिस जिस जगह पे आप जाओगे, आपकी सभा करने में उस जगह पे जाके
के अनशन करूंगी। आप किसी दिन तो एक बहन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मेरे साथ गलत हुआ। कौन सा साक्ष्य चाहिए? मैं खुद गवाह हूं। डीएमएफ घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम ने शुक्रवार को राजनंदगांव में पदस्थ आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत दुबे के यहां दबिश दी है। दोपहर को पहुंचे अफसरों की टीम ने देर रात तक जांच पड़ताल की कार्रवाई जारी रखी और ऐसी चर्चा है कि दुबे इसके पहले कोरबा में करीब 8 साल तक पदस्थ रहे हैं, जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और ईडी ने शुक्रवार को रायपुर, कोरबा सहित कई शहरों में दबिश दी है। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, ये कहावत आज बिलासपुर के सिरगट्टी में देखने को मिली है, जहां एक 3 बच्चे के बाप और एक 2 बच्चे की मां एक दूसरे के प्यार में घर परिवार को छोड़कर भाग गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला सिरगट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन से एक व्यक्ति अचानक घर से गायब हो गया था, जिसकी सूचना उसकी पत्नी ने थाने में दर्ज कराई। गुमशुदगी का मामला देखकर पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू की और गायब व्यक्ति की तलाश में जुट गई। गुमशुदा व्यक्ति के मिलने के बाद पूरे मामले का पता चला कि गायब व्यक्ति अपनी ही सगी भाभी से प्रेम करता था और मौका मिलते ही दोनों घर से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरे पति मतलब कि कहीं चले गए थे, बता करके नहीं गए मेरे को, और मैं उसको केस लिखवाई कि मेरा पति कहाँ है करके गुमसुमा में, और मेरे पति तो अपने भाभी को लेकर के भाग गए थे और फिर आए हैं वापस थाना में, तो मैं उसको ले जाना चाहती हूँ। मैं पति के साथ रहूंगी, वो चाहे जहीं भी कहीं भी जाए लड़की, पति को मैं साथ में रखूंगी। भाग गए थे मतलब किनके साथ में? मतलब मेरे पति के साथ वो लड़की भाग गई थी। तो क्या लगती है आपको? मेरी जेठानी, सगी जेठानी लगती है। तो अभी उन लोग आ गए हैं वापस? वापस आ गए हैं। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रही हूँ कि मेरे पति मेरे साथ रहे, मेरा 3 बच्चे हैं और किराए घर में मैं रहती हूँ। थाना वाले लोग क्या बोल रहे हैं? थाना वाले बोल रहे हैं कल जाएंगे, परसों जाएंगे, मेरे को भगा रहे हैं। गुना में पार्षद चिल्लू रघुवंशी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी और जिसमें स्टेशन रोड पर बिरयानी के ठेलों से संबंधित अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि स्टेशन रोड पर लगे हुए ठेलों का पैसा नगरपालिका अध्यक्ष लेते हैं। इसी मामले को लेकर जब नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्टेशन रोड पर लगे हुए बिरयानी के ठेलों का मामला मेरे संज्ञान में आया था, जिसमें नगरपालिका द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं और लेकिन अवैध वसूली का आरोप जो लगाया जा रहा है पार्षद द्वारा वो निराधार है। कौन पैसा लेता है ये सबको पता है। नगरपालिका पे आरोप लगाया गया तो पैसे लेते, हमने नगरपालिका को कभी पैसे नहीं दिया नहीं है, और टिल्लू रघुवंशी हर वक्त कपड़े वाले जो आते हैं उनसे पैसा लेता है, नगर पालिका को बदनाम करता रहता है, इस कारण नगर पालिका अतिक्रमण हम पे के देते हैं। मगर टिल्लू ने टिल्लू ऐसा कि आप देखा जाए ना तो पूरी भाई अतिक्रमण पूरा आगा और हटाया हमको जाता है। आरोप लगाया गया कि आप पैसे देते हैं नगर पालिका को? पैसा 1 रुपया नहीं देते नगर पालिका को, जब भी कभी नहीं दिया हमने। अध्यक्ष जी पे झूठा आरोप लगाया है इन्होंने। वहाँ पे अतिक्रमण किन लोगों के द्वारा किया गया है? ये स्टेशन रोड के अतिक्रमण बिल्कुल वहाँ पर नहीं है, और अतिक्रमण है तो स्टेशन रोड से बिल्कुल चिपक के टिल्लू रघुवंशी की दुकान से बिल्कुल चारों तरफ अतिक्रमण वहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है, और यहाँ का हटाने का बोल देते हैं। आप क्या समस्या लेकर आए हो यहाँ? हमने यहाँ पैसे दिया, हमने कभी 1 रुपया नहीं दिया नगर पालिका पे, हमारे को नगर पालिका द्वारा नोटिस दिए गए हैं जो कि अपनी दुकानों के वो हटाए जाएं, दुकानों के आगे के पूरे झाब हटाए जाएं, इस बरसात में टीन शेड वगैरह हटाए जाएं और रोड क्लियर कराया जाए, जबकि हमारे यहाँ हमारी दुकानों से 15-20 फुट रोड दूरी है, रोड क्लियर है, जबकि स्टेशन रोड स्टेशन से अपन निकलते ही उधर MPB के उधर बाकायदा पूरा अतिक्रमण है और रोड बिल्कुल चौक है। अगर क्या चाहते हैं, दुकानें बंद हुई तो आप लोग कैसा जीवन गुजार पाएंगे? भाई साहब जब हम बच्चे नहीं पाल पाएंगे तो आप सोचिए हम कैसे चलाएंगे ये दुकान, ये आप ही सोचिए, अगर आपके यहाँ पे आपके पले पलाए बस घर दुकानदारी चली जाए तो आप क्या करेंगे? क्या चाहते हैं? हमारे द्वारा ना तो अध्यक्ष जी से कोई पैसा दिया जाता है एवं न कोई नगर पालिका पैसा लेती है। नगर पालिका द्वारा रेलवे स्टेशन रोड पर जो नोटिस जारी किए गए हैं, वहाँ के सम्माननीय पार्षद भारतीय पार्षद पति और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष
श्री रविंद्र रघुवंशी जी ने दो दिन पूर्व जो पत्रकार वार्ता ली थी, और पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि रेलवे स्टेशन रोड पर अतिक्रमण है और बिरयानी के ठेले खड़े होते हैं, गंदगी होती है, आने जाने आवाजाही वालों को बहुत परेशानी होती है। तो रेलवे स्टेशन रोड से वो तीन बार पत्र लिख चुके, नगर पालिका सीएमओ को व जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को पत्र दे चुके, उसके बाद नगर पालिका सीएमओ द्वारा और नगर पालिका द्वारा रेलवे स्टेशन रोड पर कोई अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं की जाती, न हटाया जाता, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। और उन्होंने सीधा सीधा जब उनसे ये कहा गया कि आपने ये अतिक्रमण कई लोगों से आपने भी कर रखा है, कराया है, तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष इसका पैसा लेती हैं और उन्होंने ये अतिक्रमण करा रखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं मिट्टी से बना हूं, मुझे माटी का कर्ज चुकाना है। कुछ सपने सच हो रहे हैं, कुछ को सच बनाना है। कुछ वादे थे निभा दिए मैंने, कुछ और हैं जिन्हें निभाना है। युवा हैं जो साथ साथ चलते हैं, मुझे इनका भी साथ निभाना है। तरुणाई में जोश है।